नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। उपराज्यपाल कर सकते हैं एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया झटका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के दो सहयोगियों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। निफ्टी में 400 तो सेंसेक्स में 1300 अंकों की गिरावट, अमेरिकी शेयर बाजार के संकट का दिख रहा असर। केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन का आखिरी दिन आज, करीब 300 लोगों को निकाला जाना बाकी। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 2:30 बजे आएगा हाईकोर्ट का फैसला। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच हुई झड़प में अब तक 100 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। यूएस सचिव एंटनी ब्लिंकन और इराक के पीएम सुदानी के बीच हुई तनाव शांत करने की कोशिशों पर चर्चा। बांग्लादेश में हिंसा के बीच एमईए ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की दी सलाह। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, पिछले 16 महीनों से है जेल में बंद। पेरिस ओलंपिक 2024 का 10वां दिन आज, भारत 10वें दिन जीत सकता है 2 मेडल, ब्रॉन्ज बना सेन का लक्ष्य।